नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने HDFC बैंक से किसी भी प्रकार की लोन ली है तो आप अपने लोन की फुल डिटेल कैसे चेक करेंगे कि अब तक हमने कितनी किस्त जमा कर दी है और अभी हमारी कितनी किस्त बकाया बची है जो हमें जमा करनी है। ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं और इसे चेक करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई भी कस्टमर आईडी या पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से सिंपली इसे चेक कर लेंगे। तो इसे किस तरीके से चेक किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, वही सारा का सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लोन की फुल डिटेल चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है लोन असिस्ट। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है LOAN लोन ASSIST, ये लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे मैंने ये लिख के सर्च किया है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोन असिस्ट। इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ये HDFC बैंक की तरफ से ही एप्लीकेशन है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ से डाउनलोडिंग पे से लगा दिया है और ये कुछ ही देर में मेरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो गया है, आपको भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ से इसे ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर 10 डिजिट। यहाँ पे दोस्तों आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने लोन लेते समय दिया था, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा टर्म एंड कंडीशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिट, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर OTP आ गया है, वो OTP मैं यहाँ पर डाल दूँगा 235781। OTP डालने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको दोस्तों यहाँ पे 6 अंक का कोई पिन बना लेना है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा पिन बना लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपना पिन बना लेंगे 123123। उसी पिन को दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा है कन्फर्म पिन, उसी पिन को आपको यहाँ पर दोबारा से डालना है 123123। मैंने दोस्तों यहाँ पर वो पिन डाल दिया। इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा राइट का निशान, आपको इस राइट के निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन में यहाँ पर बड़ी आसानी से लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक योर लोन, आपको उसी ट्रैक योर लोन पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रैक योर लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका लोन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जिस प्रकार की लोन आपके पास होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जो मेरी लोन है वो पर्सनल लोन है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके से डिटेल यहाँ पर शो नहीं करती है तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ट्रैक एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो भी आपकी लोन होगी वो यहाँ पर शो करने लग जाएगी। आपको इस लोन नंबर को कहीं नोट करना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक लोन स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है, और जो नंबर आपने नोट किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपके सामने ये डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आपको इसी पर क्लिक करना है। बाद दोस्तों आपके लोन की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो टोटल अमाउंट था वो 215,000 रुपये था, जिसमें दोस्तों मेरी जो EMI बनी है पर मंथ पर वो 10,374 रुपये बनी है। इसके अलावा दोस्तों जो मेरी किस्त है वो 24 महीने की है और मेरे यहाँ पर अब तक 23,609 रुपये यहाँ पर जमा हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपको इधर साइड में स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यानी दोस्तों मेरी लोन में अभी केवल यहाँ पर 3 महीने की लोन ही जमा हुई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरी 7 तारीख को हर महीने लोन जमा होती है। इसके बाद आप इसकी और ज़्यादा जानकारी देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से इधर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि मुझे कब तक किस्त जमा करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी 24वीं किस्त होगी वो 7 फरवरी 2025 तक मुझे जमा करनी है, यही तो 2025 में जाके मेरी ये लोन कंप्लीट होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से मात्र 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी लोन की फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।